हेलो फ्रेंड्स, आपका सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष और आज मैं बात करने जा रहा हूँ IIITDM जबलपुर की वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित आगे की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसे बताया कि वैकेंसीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर की हैं, यानी कि IIITDM जबलपुर की है और ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर में आता है। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोस्ट की है, इसमें टोटल 31 पोस्ट हैं और आप इंडिया के किसी भी स्टेट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसीज का डिटेल दोस्तों इस प्रकार से है। पहली वैकेंसी है डिप्टी रजिस्ट्रार की और इसमें एक वैकेंसी है, इसका पे स्केल 78,800 से लेके 2,09,200 है। दूसरी वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर CSC IT, इसकी भी एक वैकेंसी है और इसका जो पे स्केल 78,800 से 2,09,200। तो दोस्तों, तीसरी वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर की, इसमें CSC IT की एक वैकेंसी है तथा डिजाइन की एक वैकेंसी है। तो टोटल टेक्निकल ऑफिसर की दो वैकेंसी हो गई और इसका पे स्केल 56,100 से लेके 177,500 है। तो दोस्तों, चौथी वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसमें एक वैकेंसी है और इसका जो पे लेवल है पे स्केल 56,100 से 177,500 है। और पांचवी वैकेंसी है प्लेसमेंट कम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोजिशन है, इसमें एक पोजिशन खाली है और इसका जो पे स्केल है 56,100 से लेके 177,500 है। तो दोस्तों, जो छठवीं पोजीशन है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की और इसमें एक पोजीशन खाली है, इसका भी पे स्केल 56,100 से 177,500 है। सातवीं पोजीशन है जूनियर सुपरिंटेंडेंट, इसमें दो वैकेंसी है, इसका पे स्केल 35,400 से लेके 11,400 है। और जो आठवीं पोजीशन है वो जूनियर इंजीनियर की है, इसमें सिविल की दो पोजीशन खाली हैं तथा इलेक्ट्रिकल की दो पोजीशन खाली है। तो इसमें टोटल जूनियर इंजीनियर की चार वैकेंसीज हैं और इसका पे स्केल 35,400 से 11,400 है। तो दोस्तों, जो नाइन्थ पोजीशन है वो है स्टाफ नर्स की और वे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, एक फीमेल चाहिए एक मेल चाहिए और इसमें टोटल यानी कि दो वैकेंसी है, इसका पे स्केल 35,400 से 11,400 है। और दसवीं पोजीशन है जूनियर असिस्टेंट की और इसमें छः पोजीशन खाली है, छः वैकेंसीज है, इसका पे स्केल 21,700 से लेके 69,100 है। तो दोस्तों, 11वीं जो पोजीशन है वो है जूनियर असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर की और इसमें एक पोजीशन खाली है, इसका पे स्केल 21,700 से लेके 69,100 है। और जो 12वीं पोजीशन है वो है जूनियर टेक्नीशियन की, उसमें 9 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, इसका पे स्केल 21,700 से लेके 69,100 है, तो टोटल 31 वैकेंसीज हो गई। तो दोस्तों, अब आते हैं एज लिमिट तथा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, किसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। तो दोस्तों, जो पहली पोजीशन है डिप्टी रजिस्ट्रार की, इसके लिए एज लिमिट 55 साल रखी गई है और इसमें क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है 55% मार्क के साथ, बाकी डिटेल्स हमने दे रखा। दोस्तों, दूसरी पोजीशन है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर CSC IT की, इसमें एज लिमिट 50 साल है और इसमें क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास ME या MTech मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग या IT के साथ। तो दोस्तों, इसके साथ साथ 5 साल का भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तीसरी पोजीशन है टेक्निकल ऑफिसर CSC IT की और इसमें एज लिमिट 45 साल है और इसमें क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BA BTech या MSc इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या IT में मांगा गया है और साथ में MCA या MCA मांगा गया है विद 8 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, चौथी वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर डिजाइन की और इसमें 45 साल एज लिमिट है और इसमें क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ डिज़ाइन मांगा गया है और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पांचवी पोजीशन मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है, उसमें 45 साल एज लिमिट है और इसमें MBBS की डिग्री मांगी गई है और 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। और छठवीं पोजीशन है प्लेसमेंट कम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोजीशन है, इसमें 45 साल एज लिमिट है। तो दोस्तों, इसमें जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, मिनिमम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है विद 55% मार्क्स और इसके बराबर, और साथ में लिखा गया है विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। और जो अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें MBA या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। और चौथी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, ये मांगा गया है इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर
प्रोफाइल में। तो दोस्तों सातवीं वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसमें एज लिमिट 45 साल मांगी गई है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है विद 55% मार्क्स, और बाकी डिटेल दोस्तों सामने दे रखा है। और आठवीं पोजीशन है जूनियर सुपरिंटेंडेंट, इसमें एज लिमिट 32 साल है और इसमें भी क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है तथा 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों जो नाइन्थ पोजीशन है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, इसमें एज लिमिट 32 साल है और इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल में विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, और बाकी जो अल्टरनेट क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल भी सामने लिखा गया है कि इसमें डिप्लोमा मांगा गया है अल्टरनेट में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों जो सीरियल नंबर 10 की पोजीशन है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की है और इसमें एज लिमिट 32 साल रखी गई है तथा इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री मांगी गई है इन सिविल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, और जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 11वीं वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है, एक मेल एक फीमेल की वैकेंसी है, इसमें 32 साल एज लिमिट है तथा इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी मांगी गई है इन नर्सिंग और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और सीरियल नंबर 12 है जूनियर असिस्टेंट, इसमें एज लिमिट 27 साल है और इसमें बैचलर की डिग्री मांगी गई है विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो दोस्तों जहाँ तक सीरियल नंबर 13 की बात है तो इसमें जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर की है और इसमें एज लिमिट 27 साल है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि बीएससी डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में, और अगली जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा गया है एटलीस्ट 2 साल का इन रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया इन हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में इंक्लूडिंग नर्सरी मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो सीरियल नंबर 14 है वो है जूनियर टेक्नीशियन, इसमें एज लिमिट 27 साल है, इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा या डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये था वैकेंसीज का डिटेल और बाकी जो अल्टरनेट क्वालिफिकेशन है उन सब में डिटेल साथ में दे रखा है। तो दोस्तों जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स दिया जाएगा। तो दोस्तों जहाँ तक अप्लाई करने के लिए फ़ीस की बात है तो इसका अप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है तथा SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन और PDPM IIITDM एम्प्लॉइज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और दोस्तों इसका जो अप्लाई मोड ऑनलाइन है और इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई 2019 है, और इसके बाद दोस्तों आपको हार्ड कॉपी भेजनी है बाई स्पीड पोस्ट, इसका डिटेल पॉइंट नंबर 22 में दे रखा है। तो दोस्तों यदि आप इन वैकेंसीज में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं और आप एलिजिबल हैं तो इसकी जो जनरल कंडीशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन सबको पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन वो अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।